नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। मारेगांव में मारडा डैम के रेलिंग की मरम्मत करने की मांग, दान गांव के सरपंच तथा मुक्ता शिवनी हिवरा गांव के गांव वासियों ने महाऔषधिक विद्युत जल शुद्धिकरण केंद्र के जनरल मैनेजर से की। वर्धा नदी में आई बाढ़ के चलते रेलिंग टूट चुकी है, जिसके चलते यातायात में नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाघ के हमले में एक व्यक्ति को गंवानी पड़ी अपनी जान। गढ़चिरौली के दीभना जंगल परिसर में बैलों को चराने गए व्यक्ति पर 26 जुलाई की दोपहर बाघ ने हमला किया, जिसमें नीलकंठ मोहल्ले नामक चरवाहे की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिसर में दहशत फैली हुई है। दंतेवाड़ा में काटे कल्याण पुलिस स्टेशन अंतर्गत जबरा मेटा के जंगल परिसर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक नक्सली का हुआ खात्मा। बुधराम मटकम ऐसा इस नक्सली का नाम है, जिस पर 15-16 अपराध दर्ज होने के साथ साथ 5 लाख का इनाम जाहिर था। इस मुठभेड़ में बड़े पैमाने पर नक्सली सामग्री जब्त किए जाने की खबर है। गढ़चिरौली में एटापल्ली के बुर्गी पुलिस मदद केंद्र अंतर्गत आने वाले गांव में अत्यंत शर्मनाक घटना घटी। यहां एक विवाहित पुरुष ने अपने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार की केवल 1 साल 6 महीने की बेटी को बाहर घुमाने के बहाने से ले जाकर अत्याचार कर उसे वापस घर छोड़ा। खबर मिलने तक पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए नागपुर के रिगडाले में दाखिल किया गया है। वहीं इस मामले का खुलासा होते ही 30 वर्षीय आरोपी, जो कि पेशे से कोतवाल है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नेरी सिरपुर रोड पर शुरू पुलिया का काम धीमी गति से होने के चलते हादसों को निमंत्रण दे रहा है। बीते दिन इस मार्ग से गुजर रही बस जमीन में धस जाने की घटना घटी। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई, किंतु ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य तथा रास्ते की दयनीय अवस्था को लेकर लोगों द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। भद्रावती के आयुध निर्माणी चांदा के मुख्य प्रवेश द्वार से हिरण इस परिसर में घुसी, जिसके बाद पूरे परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये जानकारी वन्य प्रेमी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद साई संस्था के सदस्य अनूप येर ने और श्रीपाद बाकरे ने हिरण को ढूंढकर रेस्क्यू किया तथा जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। गढ़चिरौली जिले में कायदा तथा सुव्यवस्था अबाधित ना हो, इसके चलते 25 जुलाई से 8 अगस्त तक कलम 37(1) व (3) लागू किया गया है। कुछ राजकीय पक्ष संगठन तथा अन्य नागरिक उत्साह और सभा रैली जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना है। इस बीच कोई अनुचित घटना ना हो, इसलिए ये कलम लागू किए जाने की खबर है। सिंधेवाई के हेटी वार्ड में 22 वर्षीय युवक ने अंधेरे का फायदा उठाकर पीड़िता से किया दुष्कर्म। 25 जुलाई की रात 2 बजे पीड़िता के घर जाकर जबरन अत्याचार कर किसी को भी ये बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरपड़ा के लखमापुर में हनुमान मंदिर के पास बिजली के खंभे को जंग लगने से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। इस रास्ते पर बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना शुरू होता है, जिसके चलते इस खंभे को बदलकर नया खंभा लगाने की मांग की जा रही है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।